الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم कौनैन की तख्लीक का आका तो सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है, ताहा से आया है तेरी सूरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लकब है, वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लकब है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज्जज़ मोहतरम हजरात उलमाए किराम और क़ुर्बो जवार से तशरीफ़ लाने वाले दीनी गैरत और हमीयत के मालिक मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बग़ैर किसी रस्मी कलिमात के आपको जिस उनवान से बुलाया गया और दावत दी गई उसी पर गुफ्तगू करने से पहले अपने तकरीर के इब्तदा में मौलाना एहसानुल्लाह सिद्दीकी दामत बरकातुहुम के लतीफ़, हसीन, बलीग़ और ख़ूबसूरत नुक्ते से फ़ायदा उठाते हुए हिंदू शायर पंडित हरिचंद अख्तर के अशार से अपने कलिमात की इब्तिदा करता हूँ। पंडित हरिचंद अख्तर कहता है कि किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, हयातुन नबी के नुक्ते को महसूस करने के लिए आप जरा तवज्जो फरमाएंगे, किसने जर्रे को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तकनतु अख्तर किसी ने कान में और दिल को सर बसर महवे तमन्ना कर दिया, और जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर। मैं अर्ज करता हूं बंदा परवर कुछ देर के लिए गौर कर ले, ये मुसलमान नहीं हिंदू है, ब्राह्मण है, पंडित हरिचंद अख्तर है, लेकिन इस रास को समझता है कि जिस नबी के छूने से जर्रे रश्के कहकशां बनते हैं, जिस नबी की निस्बत से गुलाम मौला बनते हैं, जिस नबी की निस्बत से कि खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये बात हिंदू भी समझता है, पंडित हरिचंद अख्तर भी समझता है और एतराफ करता है कि जो इसके नाम पे मर जाए वो जिंदा हो जाते हैं, जो इसके नाम पे मर जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी इज्जत पे मर जाए वो तो जिंदा है, जो इसके नामूस पे मर जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी हुरमत पे मर जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी खत्म नबूवत पे मारे जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी दीन पे मारे जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी मईयत में मारे जाए वो तो जिंदा है, जो इसकी रफाकत में मारे जाए वो तो जिंदा है, जो इसके कलमे की सरबुलंदी के लिए मारे जाए वो तो जिंदा है, जो इसके दीन के अहिया के लिए और नशरो इशात के लिए मारे जाए और दिफा के लिए मारे जाए वो तो जिंदा है। अरे बदबख्त, अगर इसके कदमों पे, इसकी मशीयत पे, इसकी रफाकत में, इसकी मईयत में मरने वाले जिंदा है तो खुद नबी जिंदा क्यों नहीं? जो उसके नाम पे मर जाए वो तो जिंदा है और खुद नबी अपनी कब्र में मुर्दा है। दर हकीकत असल मामला ये है कि तेरी फिक्र मुर्दा है, तेरी सोच मुर्दा है, तेरा दिमाग मुर्दा है, तेरा दिल मुर्दा है, तेरे इश्क और मोहब्बत का जज्बा मुर्दा है, वरना तारीख इस्लाम की 14 सदियां इस अकीदे पर मुजतमे और मुत्तफिक है कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है, और जो भी नबी का उम्मती नबी के रोजे अथर पर पेश होकर हदीये सलाम पेश करता है हमारे आका अपने कानों से सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। हजरात-ए-गिरामी,
तीन बातें हैं, हमने आपको भेजा है, क्या बनाकर भेजा है, रहमत बना के भेजा है, किन के लिए भेजा है, आलमीन के लिए भेजा है। वइला आदिन अखाहुम हूदा, अगर हूद को भेजा गया तो कौम आद के दायरे तक, वइला समूद अखाहुम सालिहा, अगर जनाब सालेह को भेजा गया तो समूद के दायरे तक, वइला मदियन अखाहुम शुएबा, अगर जनाब शुएब को भेजा गया तो मदियन के दायरे तक, अगर जनाब नूह को भेजा गया तो उन्हीं के कौम के हल्के तक। कौम कभी इलाके की बुनियाद पर कहलाई, कौम कभी जुबान की बुनियाद पर कहलाई, कौम कभी जिंस और कभी किसी और तहजीब की बुनियाद पर कहलाई, अपनी कौम की तरफ, अपनी बिरादरी की तरफ, अपने इलाके की तरफ। इस इलाके की एक हद थी, इस कौमियत की एक हद थी, जो जिंस पर, इलाके पर, जुबान पर या रंगत पर या किसी खास तहजीब पर मौकूफ थी। लेकिन इमाम लंबिया ताजदार मदीना सरवरे कौनैन रहमतुल आलमीन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। तर्ज़े बयान बड़ा मुनफरिद है। अगर मैं उन टाइटल्स को देखूं, उन अंदाज को देखूं जिस अंदाज से अल्लाह ने अपने नबी को अजमत अता फरमाई, तो उनमें सबसे जी हशमत जी अजमत ये खिताब नजर आता है कि जहां पे अपनी रबूबियत की बात की तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहां अपने हबीब की रहमत की बात की फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, जहां पे अपनी रबूबियत की बात की आलम अरबाह में तमाम इंसानों की रूहों को तलब किया, जहां पे अपने नबी की रहमत की बात की आलम अरबाह में तमाम अंबिया को तलब किया। एक इजलास रबूबियत के यकनुकाती एजेंडे पर है, एक इजलास रसूलुल्लाह की रहमत आम्मा के यकनुकाती एजेंडे पर है। वहां रबूबियत का इकरार लिया जाता है, यहां रहमतुल आलमीन का इकरार लिया जाता है। आदम तुम अपनी नबूवत के ऐलान के हक़ रखते हो, साथ में तुम्हें इस बात का हुक्म भी दिया गया है कमली वाले की नबूवत का ऐलान करना है। नूह तुम अपनी नबूवत के ऐलान का इस्तेहकाक रखते हो, साथ में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करना है। हुजूर अभी इस दुनिया में आए नहीं है, कायनात के तमाम गोशों में हुजूर के आमद के ऐलान और डंके बजाए जा रहे हैं, नक्कारे बजाए जा रहे हैं। कायनात का गोशा गोशा अगर वो सुबूर की मुनाजातों की सूरत में हो, अगर वो तौरात के कवानीन की सूरत में हो, अगर चाहे वो जनाब इंजील की ज़ुहद व इबादत और बरो तकवा की तालीमात की बुनियाद पर हो, अगर वो जैतून की घाटी हो या तूर सीना की बुलंदी हो, जहां भी जिस अंदाज में भी अगर वो तख्ते सुलेमानी का जलवा हो, अगर वो जनाब दाऊद का लहन हो, जहां भी आप सुनेंगे रसूलुल्लाह की नबूवत के दम में सुनेंगे। एक पहलू यह है कि आप रहमतुल आलमीन हैं, तभी इस बात को इंजील के और आप खुद बयान करते हैं कि नान में रहने वाली भाई दूर का सफर करके हजार सऊबतें और मुशक्कतें बर्दाश्त करके जनाब ईसा के पास ये सुनकर पहुंचती है कि अगर ये अंधों के हाथ पर, अंधों की आंख पर हाथ फेर दे उन्हें बिनाई मिल जाती है, अगर ये कोड़ियों के जिस्म पर हाथ फेर दे तो उन्हें शिफा मिल जाती है, अगर ये मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कह के खड़ा होने का हुक्म दे तो सैकड़ों साल के मरे हुए मुर्दे भी अपने हालात बताने पर मजबूर हो जाते हैं। कुरान कहते हैं कि अगर ये परिंदे की शक्ल बनाकर, मिट्टी के पट्टी के परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मार दे तो वो भी जिंदा और जीता जागता होकर हवा में उड़ जाता है। ये शोहरत उस बुढ़िया को अपने नाबीना बेटे के पास किनान की बस्ती से जैतून के घाटी तक सफर पर मजबूर करती है। आके अर्ज करती है मैंने आपकी शोहरत सुनी है, मेहरबानी कीजिए मुझे भी अपने दस्ते मसीहा का करिश्मा और एजाज दिखाइए। जनाब ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम बजाय इसके कि अपना अमल जारी करें, बजाय इसके कि उसके लिए दुआ करें, पूछते हैं माई दुआई कहां से है, कहती है मैं किनान से आई हूँ, हजार सऊबतें उठाकर आई हूँ, बड़ी उम्मीद और तयक्कुन के साथ आई हूँ। जनाब ईसा अलैहि सलाम का ये किनाया किनाये पर मबनी जुमला आज भी इंजील की जीनत है। हजरत ईसा ने फरमाया माई तू किनान से आई है, मैं बनी इसराइल में आया हूँ, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि लड़कों की रोटी कुत्तों
पे डाल दूं। मुलाकात का फॉर्म ये था कि मैं तो बनी इसराइल का नबी हूं, मैं तो जैतून की घाटी के लिए नबी हूं, किनान के वासियों के लिए मेरे दस्ते मसीहा का कोई इजाज नहीं। इसी ईसा अलैहि सलातो व सलाम ने एक और जगह बनी इंजील में फरमाया, मैं बनी इसराइल की मुंतशिर भेड़ों को जमा करने के लिए आया हूँ, लेकिन एक वो मजलिस है, एक वो दरवाजा है, एक वो शख्सियत है और एक वो बाजमत आने वाला है कि जिसके दरवाजे पर रूम से सुहेब चल के आता है, जिसके दरवाजे पर फारस से सलमान चल कर आता है। और कहां कहां कभी इस सलमान ने, कभी इसने मूसल के इबादत खाने देखे हैं, कभी नसीबैन में भटका है, कभी ये शाम के सफर में निकला है, बिलाखिर मदीने में पहुंचा है, हबशे से चलकर बिलाल आता है, यमन से चलकर अबू हुरैरा आता है, लेकिन जो भी आए, जहां से भी आए, उससे ये पूछा नहीं जाता तू कहां से आया है, बल्कि उसे मरहबा कहके इस्तकबाल किया जाता है और बताया जाता है कि तू उसके दरवाजे पे आया है जिसकी जुबान पे रब ने ऐलान करवाए, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, आदम से लेकर कयामत तक तमाम इंसानों के लिए मेरे रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है और भेजने से पहले नबियों से भी मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार किया है। वो आलम अरवाह से लेकर इस कायनात तक जिसकी नबूवत के डंके बज रहे हैं वही तो रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए यहाँ कोई आला हो या अदना हो, शाह हो या गदा हो, शर्की हो या गर्बी हो, कोरा हो या काला हो, अमरीकी हो या अफ्रीकी हो, चीनी हो या सूडानी हो, जो भी आए उसके लिए ये दरवाजा खुला है। इसलिए कि कायनात में तनहा वही है जिसके सर पे रहमतुल लिल आलमीन का ताज सजाया है। चूंकि वक्त की किल्लत है इसलिए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज कर दूं, रहमतुल्लिल आलमीन किसे कहते हैं? फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूं, तू रहमतुल्लिल आलमीन है, मैं जमीन का रब हूं, तू जमीन के लिए रहमत है, मैं आसमान का रब हूं, तू आसमान के लिए रहमत है, मैं सूरज और चांद का रब हूं। अगर आलमीन को समझना हो तो आलमीन की तकसीम दो तरीके पर हो सकती है, इलाकों के एतबार से यानी मकानी एतबार से और औकात के एतबार से जमानी एतबार से। अगर इलाकों की तकसीम हो, आसमान एक इलाका है, जमीन एक इलाका है, सहरा एक इलाका है, पहाड़ एक इलाके हैं, समंदर समंदर के जज़ायर एक इलाका है, जंगलात एक इलाका है, शहर और बस्तियां एक इलाका है, ये तो इलाकाई तकसीम है। अगर ज़मानी एतबार से तकसीम किया जाए, अरवाह आलम अरवाह एक जमाना है, आलम दुनिया एक जमाना है, आलम बरज़ख एक जमाना है, फिर आलम महशर एक जमाना है, फिर आलम मआलो अंजाम यानी जन्नत या दोज़ख एक जमाना है। फरमाया मेरे महबूब मैं आसमानों का रब हूँ, तू आसमानों के लिए रहमत है, मैं जमीन का रब हूँ, तू जमीन के लिए रहमत है, मैं शहरों का रब हूँ, तू शहरों का नबी है, मैं जंगलों का रब हूँ, तू जंगलों का नबी है, मैं जमादातों हैवानातों नबातात का रब हूँ, तू जमादातों हैवानातों नबातात के लिए रहमत है। और अगर इस तरतीब को जमानी एतबार से तक रहे, मेरे महबूब मैं आलम अरवाह का रब हूँ, तू आलम अरवाह का नबी है, मैं आलम दुनिया का रब हूँ, तू आलम दुनिया का नबी है, मैं आलम बरज़ख का रब हूँ, तू आलम बरज़ख का नबी है, मैं आलम महशर का रब हूँ, तू आलम आलम महशर का नबी है। मेरे महबूब जिस तरह कायनात में एक दर्रा भी मेरी नबूवियत से बावरा नहीं है, इसी तरह कायनात का एक दर्रा भी तेरी नबूवत से नाश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ममार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो ये कहे मैं बनी इसराइल की भेड़ों के लिए आया हूँ वो ईसा है, जो ये कहे मैं रोटी को कुत्तों लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता वो ईसा है, जो ये कहे मैं तूरे सीना की वादी के लिए आया हूँ वो मूसा है, जो ये कहे मैं कौमे आद के लिए आया हूँ वो हूद है, जो ये कहे मैं कौमे मदयन के लिए आया हूँ वो जनाबे शुएब है। लेकिन जिसके दर पे ऊंट भी फरियाद लेकर आता है, जिसके दरवाजे पे हरनी भी अपना मसला पेश करती है, जिसके सर पे परवाज करती हुई चिड़िया चूचू भी अपना मसला बताती है, अरे जिसे देख
लेकर पत्थर भी सलाम करते हैं, जिससे पहाड़ भी मोहब्बत करते हैं, जिसका कलमा मुर्दा गोह भी पड़ती है, अरे जिसे अबू बकर के दरवाजे के साथ लगा हुआ सफेद पत्थर भी अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह कह के उसकी रहमत लिल आलमीन का इकरार करता है। अरे जो अली के हमरा, अगर मैं अली मुत्तसिल की इमाम बग़दादी की इस रिवायत को देखूं, अगर वो अली के हमरा जंगल के सफर को निकले तो जनाब अली कहते हैं, ये मंजर मेरे लिए हैरतनाक था कि मैं देखता हूँ चारों तरफ से बगैर किसी जी नफ्स और जी रूह की मौजूदगी के अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती है। मैंने गौर किया तो रास्ते की कोई झाड़ी और कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो आका को सलाम न कर रहा हो। अरे पत्थर और झाड़ियां जिसे सलाम करे, बिगड़े हुए ऊंट जिसके सामने सर झुकाने और सर कटाने वाले ऊंट जिसके सामने गर्दन झुका के खड़े हो जाए, उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। यानी रब ने ऐलान कर दिया, महबूब कायनात का कोई जर्रा भी मेरी रबूबियत से मावरा नहीं है और कायनात का कोई जर्रा भी तेरी नबूवत से ना आशना नहीं है। मैं आलमीन का रब हूं तो आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन का एक मुख्तसर मफहूम ये भी समझ लीजिए कि अब मेरे अलावा खुदा कोई नहीं, अब मेरे अलावा बुलंदबाज से जो ये अकीदा रखते हैं बुलंदबाज से कड़क कर बोले, मेरे अलावा मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरे महबूब मेरे अलावा इस कायनात में खुदा कोई नहीं है, और तेरे इस दुनिया में आने के बाद कयामत तक कोई मुस्तफा नहीं है, मैं खुदा अकेला हूं और तू अकेला है पूरी कायनात में, जिसके सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजाकर तुझे आखिरी नबी बनाया है। अब कयामत तक नबूवत का जो भी जिस मफहूम जिस इस्तेलाह का सहारा लेकर दावा करेगा वो दज्जाल तो हो सकते हैं कज्जाब तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरे आने के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। इसीलिए आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अल्लामा मौलाना यहिया अब्बासी तशरीफ फरमा है और हजरत ने कराची के सफर में निकलना है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर इस्तरारी जुमले समेट रहा हूं और आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आज तक उम्मत ने खत्मे नबूवत पर समझौता नहीं, आज तक 1400 साल की तारीख शाहिद है और तमाम सरकारी फरिश्ते अपनी डायरियों में ये तहरीर लिख ले, ये उम्मत मरती मर जाएगी, ये उम्मत कटती कट जाएगी, लेकिन हजार बार भी मौत को सीने से लगा कर भी और जो भी खत्मे नबूवत पर हमला आवर होगा वो किसी भी रूप में हो वो पक्का काफिर, वो कौन है। इसलिए जाते जाते आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने लहजे में जुल्फकार की तलवार की चमक समोइए, अपने लहजे में बिजली की कड़क समोइए, अपने लहजे में बादलों की गरज समोइए, अपने लहजे में पहाड़ों की सख्ती समोइए, अपने लहजे में लोहे की मजबूती समोइए, अपने लहजे में फौलाद की इस्तकामत समोइए, और फिर अपने फेफड़ों अपने सीने और अपने गले और अपनी आवाज की पूरी कुव्वत के साथ जिस रब ने तुझे आवाज की नेमत दी, जुबान की नेमत दी, कुव्वत की नेमत दी, उस रब का सही बंदा होने का हक अदा करते हुए इस नारे का फलक सगाफ जवाब दीजिए कि ताजो तख्त खत्मे नबूवत। दो बार बोले जिंदाबाद। ताजो तख्त खत्मे नबूवत। कुछ चेहरे में देख रहा हूं जो अपनी शख्सियत के दायरे में सिमटे हुए हैं, उन्हें नबी की अजमत का यह अकीदा हजम नहीं हो पा रहा। कुछ जुबानें मैं देख रहा हूं अब तक खामोश हैं, कुछ चेहरे में देख रहा हूं जो अपने शख्सी वकार की बुनियाद पर बोलना अपने लिए मायूब समझते हैं, लेकिन मैं तुझे कहता हूं तेरी ये बुलंद होने वाली आवाज खुदा की कसम कयामत तक इस फिजाए मुह
तहनीत में चकराती रहेगी। तेरी साइज भी यही कहती है कि आवाज कभी नहीं मरती, और जब ये दुनिया दोबारा बनेगी और जब नफ़े सूरे सानी होगा और तू रब के सामने पेश होगा इस फिजाए मुहीत और खलाए बसीत से, तेरी आवाज भी रब के हुजूर तेरे साथ पेश होगी। इसलिए बुलंद आवाज से नारा लगाइए, ताज और तख्त खत्म नबूवत, अर्ज करता हूं। लेकिन जरूर कहता हूं कि हम अपनी बड़ी शख्सियात के मुकल्लिद जरूर हैं, हम अपनी बड़ी शख्सियात के कफ्श बरदार जरूर हैं, हम अपनी बड़ी शख्सियात के खोशाचीन जरूर हैं, लेकिन जब हम पर कोई तीर बरसता है, हम पर जब कोई गाली बरसती है, हम बड़ी शख्सियतों के पीछे नहीं छुपते बल्कि आगे आकर कहते हैं गाली हमें पड़ जाए लेकिन हमारे बड़ों की इज्जत बच जाए। आज कहता हूं, आज नौबत यहां तक पहुंची कि यजीदी गमाश तो अब जाके थानों में शिकायतें लगाते हो कि कारी खिजर हयात साजिद अपनी मस्जिद में प्रोग्राम कर रहा है। खुदा की कसम तो उल्टा नजर जा, 14 सदियों की यजीद तक की तेरी सारी नस्लें उल्टी नजर जाए, तू हुसैनियों का सफर नहीं रोक सकता, हुसैनियत का सफर नहीं रोक सकता। इतना घटिया मिजाज, इतनी घटिया तेरी तबीयत के मुखबरियों पे आ गया है। देख हुसैनियों का ये मजमा, हुसैन के नाना के खत्म नबूवत के फिदाकारों का ये मजमा, यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोंकने के लिए कंधों से कंधे छोड़ने का है। इसीलिए कहता हूं हम हर दम जीते हुए भी मरते हुए भी पक्के हुसैनी है। यजीद से न ताल्लुक था ना है और ना कयामत तक होगा। और दूसरी बात, यजीद की आड़ में कोई किसी सहाबी की तौहीन करे, यजीद की आड़ में कोई सैयदना अमीरे माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही खालुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन की कोई अदना गुस्ताखी करे, खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यह बात तू भी याद रख कि तुझे ना मुझसे माविया का ठेका तेरी माँ ने या तेरे अब्बा ने नहीं दिया, हमारे अमीर में हुब्बे सहाबा रचा बसा हुआ है, ना मुझसे सहाबा पे कट मरने का जज्बा बसा हुआ है। और ये अदा हमने सहाबा से सीखी है कि सारी दुनिया में हम जालिम से कंप्रोमाइज नहीं करते, हम जालिम से कंप्रोमाइज नहीं करें, नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों पक्के हुसैनी हो के पैगाम दे के जा रहा हूं कि मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो, मैं तो हुसैन के साथ हूं, तुम किस गवाना। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।